बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे लिस्ट से मैट्रिसेस बनाना, बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्रियान्वित करना, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का पता लगाने के लिए क्रियान्वित करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 16.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, Python 3.4.3, IPython 5.1.0। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको लिस्ट, एरेज और एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ एरेज का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए और मैट्रिक्स ऑपरेशंस का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर संबंधित पाइथन ट्यूटोरियल देखें। पाइथन में हम नमपाई मैट्रिक्स क्लास का उपयोग करके मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस को नमपाई ऑपरेटर्स और फंक्शंस का उपयोग करके किया जा सकता है। आईपाइथन शुरू करते हैं। टर्मिनल खोलें, IPython 3 टाइप करें और एंटर दबाएं। यहां से टर्मिनल पर प्रत्येक कमांड टाइप करने के बाद एंटर की दबाएं। मैट्रिक्स M1 बनाते हैं। From numpy import matrix टाइप करें, फिर टाइप करें M1 is equal to matrix ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। अब M1 टाइप करें। यह एक रो और चार कॉलम्स के साथ एक मैट्रिक्स बनाता है। इसे M1.shape टाइप करके सत्यापित किया जा सकता है। ये 1, 4 आउटपुट देता है। एक लिस्ट को मैट्रिक्स में भी बदला जा सकता है जैसा दिखाया गया है। टाइप करें, आप लिस्ट L1 से वैल्यू के साथ मैट्रिक्स M2 देख सकते हैं। एरे को मैट्रिक्स में बदलने के लिए numpy मॉड्यूल में asMatrix मेथड का उपयोग करें। हम एरे बनाने के लिए arrange और reshift मेथड का उपयोग कर सकते हैं जैसा दिखाया गया है। टाइप करें, arrange numpy में उपलब्ध मेथड है। यहाँ ये 1 और 9 के बीच समान रूप से स्थानिक वैल्यूज का एरे रिटर्न करता है। रीशेप का उपयोग एरे के आकार को 2 रोज और 4 कॉलम्स में बदलने के लिए किया जाता है। asMatrix numpy में उपलब्ध मेथड है और यह मैट्रिक्स के रूप में इनपुट दर्शाता है। वीडियो को रोकें, इसे हल करने का प्रयास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के साथ 2x4 का एक 2 आयामी मैट्रिक्स M3 बनाएं। संकेतः अरेंज और रीशेप मेथड और asMatrix फंक्शन का उपयोग करें। हल के लिए टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें M3 is equal to asMatrix ब्रैकेट्स में अरेंज ब्रैकेट्स में 5, 13.reshape ब्रैकेट्स में 2, 4। M3 टाइप करें। आप अपेक्षित आउटपुट देख सकते हैं। फिर कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस देखते हैं। टाइप करें M3 plus M2। ये एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन क्रियान्वित करता है जो कि मैट्रिक्स एडिशन है। ध्यान दें कि दोनों मैट्रिसेस एक ही आकार के होने चाहिए। इसी प्रकार टाइप करें M3 minus M2। ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन क्रियान्वित करता है जो कि एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन है। ध्यान दें कि दोनों मैट्रिसेस एक ही आकार के होने चाहिए। अब हम स्केलर को गुणा कर सकते हैं, अर्थात एक संख्या का मैट्रिक्स के साथ, जैसे कि दिखाया गया है। अब हम m2.shape टाइप करके m2 का आकार जांच सकते हैं। हमें ट्यूपल 2, 4 मिलता है। मैट्रिक्स m2 2x4 आकार का है। 4x2 क्रम का एक और मैट्रिक्स बनाते हैं।
टाइप करें M4 is equal to AS matrix ब्रैकेट्स में अरेंज ब्रैकेट्स में 1,9 डॉट रीशेप ब्रैकेट्स में 4,2। अब आकार जांचने के लिए m4.shape टाइप करें। हमें m4 के आकार के रूप में 4,2 मिलता है। गुणन ऑपरेटर एस्ट्रिक को मैट्रिक्स गुणन के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइप करें m2*m4। अब हम आउटपुट को m2 और m4 के गुणन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कैसे पता लगाएं। m4 के कंटेंट को देखने के लिए टाइप करें प्रिंट ब्रैकेट में m4। अब टाइप करें प्रिंट ब्रैकेट में m4 डॉट कैपिटल T। जैसा कि आपने देखा m4 डॉट कैपिटल T मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देगा। हम numpy.linalg मॉड्यूल में फंक्शन det का उपयोग करके स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को रोकें, इसको हल करने का प्रयास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। इस 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का पता लगाएं। हल के लिए टर्मिनल पर जाएं। जैसा दिखाया गया है टाइप करें M5 का डिटरमिनेंट DET ब्रैकेट्स में M5 कमांड द्वारा जारी करके पाया जा सकता है। हमें आउटपुट के रूप में M5 का डिटरमिनेंट मिलता है। हम numpy.linalg में inv फंक्शन का उपयोग करके स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स M5 के इनवर्स का पता लगाएं। जैसा कि दिखाया गया है टाइप करें। फिर इनवर्स को देखने के लिए im5 टाइप करें। टाइप करें from numpy import i comma all close। फिर टाइप करें all close ब्रैकेट्स में im5 asterisk m5 comma as matrix ब्रैकेट्स में i ब्रैकेट्स में 3। यह true return करता है। हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स का गुणा इनवर्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई फंक्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। ये numpy मॉड्यूल में मौजूद है। यहाँ AS मैट्रिक्स ब्रैकेट्स में i ब्रैकेट्स में 3 आकार 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। All close एक फंक्शन है जो कि true return करता है यदि दो arrays element wise बराबर हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम documentation की जांच करेंगे। IPython console में फंक्शन नाम के बाद प्रश्न चिन्ह टाइप करें। टाइप करें i प्रश्न चिन्ह। documentation से बाहर जाने के लिए Q दबाएं। नए फंक्शन के documentation को पढ़ना एक अच्छा अभ्यास है। अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज पर चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया गया है। EIG ब्रैकेट्स में A स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 इसका आइगन वैल्यूज देता है। EIG ब्रैकेट्स में A स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 इसका आइगन वेक्टर देता है। EIG VALS ब्रैकेट्स में A इसका आइगन वैल्यूज देता है। EIG और EIG VALS फंक्शंस numpy.linalg मॉड्यूल में मौजूद है। मैट्रिक्स M6 का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का पता लगाते हैं। जैसे कि दिखाया गया है टाइप करें। अब वैल्यू देखने के लिए टाइप करें EIG ब्रैकेट में M6। DIAG ब्रैकेट्स में फिर से ब्रैकेट्स में 1,2,3 कहीं कहीं डायगोनल एलिमेंट्स और 0 के रूप में 1,2,3 के साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। DIAG फंक्शन numpy मॉड्यूल में मौजूद है। ध्यान दें कि EIG ब्रैकेट्स में M6 एक एरे और एक मैट्रिक्स का ट्यूपल रिटर्न करता है। ट्यूपल में पहला एलिमेंट 3 आइगन वैल्यूज का एक एरे है। ट्यूपल में दूसरा एलिमेंट 3 आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स है।
आइगन वैल्यूज प्राप्त करने के लिए टाइप करें eig underscore value is equal to eig ब्रैकेट्स में m6 स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0। फिर टाइप करें eig underscore value। जैसा कि आप देख सकते हैं कि eig underscore value में आइगन वैल्यूज शामिल हैं। आइगन वेक्टर्स प्राप्त करने के लिए टाइप करें eig underscore vector is equal to eig ब्रैकेट्स में m6 स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1। फिर eig underscore vector टाइप करें। eig underscore vector में आइगन वेक्टर्स शामिल हैं। आइगन वैल्यूज की गणना eig vals फंक्शन के उपयोग से भी की जा सकती है जैसा कि दिखाया गया है। टाइप करें, फिर टाइप करें eig underscore value 1। आप देख सकते हैं कि eig underscore value और eig underscore value 1 समान है। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एरेज का उपयोग करके मैट्रिसेस बनाना, मैट्रिसेस को जोड़ना, घटाना और गुणा करना, मैट्रिक्स के स्केलर का गुणन, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का पता लगाने के लिए फंक्शन DET का उपयोग करना, फंक्शन INV का उपयोग करके मैट्रिक्स के इनवर्स का पता लगाना, फंक्शन EIG और EIG VALS का उपयोग करके मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज का पता लगाना। यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं। पहला, A और B उचित आकार के दो मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। निम्न में से कौन सा मैट्रिक्स गुणन के लिए सही है? दूसरा, eig ब्रैकेट्स में a स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 और eig vals ब्रैकेट्स में a समान है, सत्य या असत्य? और उत्तर है पहला, a और b के बीच मैट्रिक्स गुणन a*b द्वारा किया जाता है। दूसरा, असत्य, eig ब्रैकेट्स में a स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 और eig vals ब्रैकेट्स में a समान है, अर्थात दोनों मैट्रिक्स a का आइगन वैल्यूज देंगे। कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को फोरम में पोस्ट करें। कृपया पाइथन से संबंधित अपने सामान्य प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। फॉसी टीम टीबीसी प्रोजेक्ट का समन्वय करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएनईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।